सभी का फेवरेट गोभी मंचूरियन। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ परफेक्ट गोभी मंचूरियन की रेसिपी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाते हैं गोभी मंचूरियन की रेसिपी। तो चलिए शुरू करते हैं। एवरीवन, मैं हूँ प्राची और स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राची की देसी रसोई में। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ गोभी मंचूरियन की रेसिपी, जो कि बनाने में होते हैं बहुत ही आसान और खाने में होते हैं बहुत ज्यादा टेस्टी। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाते हैं और वीडियो के एंड तक बने रहें, जिससे कि आपको परफेक्ट गोभी मंचूरियन रेसिपी आप जान पाएंगे और अच्छे से बना पाएंगे। चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल में गोभी मंचूरियन की रेसिपी बनाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स का जरूर शेयर करें। एक बार हमारे चैनल को विजिट जरूर करें, आपको जो पसंद आए वो आप जरूर देखें और जो आप चाहते हैं मैं वो आपके लिए लेके आऊंगी अगले वीडियो में। तो चलिए बनाते हैं। गोभी मंचूरियन रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ली है एक नॉर्मल गोभी। इसके मैं छोटे छोटे पीस निकाल ले रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं इस तरह के पीस इसके अलग अलग कर ले रही हूँ। दो गोभी को मैंने पहले से ही वॉश कर लिया था। देखिए, मैं यहाँ के इसके जो मोटा मोटा पार्ट है, जो ऊपर का हार्ड पार्ट है, मैं उसको निकाले दे रही हूँ और मैं बीच से कट लगा के इसको, जैसे कि कोई बड़ा हो गया हो, मतलब कोई पार्ट बड़ा हो गया हो, तो उसको आप बीच से कट करेंगे और अलग कर लेंगे उसको तोड़ के। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसके पीसेस कर ले रही हूँ। ठीक है, और ये वाला जो थोड़ा सा हार्ड पार्ट है मैं इसको अलग किए दे रही हूँ, जिससे कि हमारे गोभी मंचूरियन बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। देखिए, मैंने निकाल लिया यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक पतीला लिया है, समथिंग मैंने यहाँ पे 1.5 गिलास पानी का यूज़ किया है। मैं यहाँ पे गोभी के जो पीसेस हैं मैं इसमें इसे डाल रही हूँ और मैं यहाँ पे आधा चम्मच के करीब नमक डाल रही हूँ, जिससे कि हमारे जो गोभी है वो अच्छे से पक जाएगी। मैंने यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखा था, क्योंकि हाई पे आप बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हाई पे करेंगे ना तो वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से मैंने यहाँ पे लो टू मीडियम ही रखा था, तो अच्छे से गोभी हमारी पक जाएगी। ठीक है, तो हमारी गोभी यहाँ पे बिल्कुल ज़रा बॉयल हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि गोभी गोभी का कलर कितना अच्छा आ गया है। तो चलिए इसे अब बनाते हैं। मैंने यहाँ पे एक बाउल ले लिया है, मैं यहाँ पे ये गोभी है जो मैं इसको डाल रही हूँ। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच के करीब मैदा ली है, 2 चम्मच ही ली है मैंने यहाँ पे। मैं इसको मिक्स किए दे रही हूँ अच्छे से। मैंने भी गोभी को अच्छे से कोट कर दिया है मैदे से। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक बाउल लिया है, इसमें मैंने 4 चम्मच मैदा ली है। इसके बाद मैंने यहाँ पे 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है। ठीक है, कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने यहाँ पे 2 चम्मच। इसको अच्छे से आप मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, वैसे 1/2 चम्मच इनफ है, 1/2 चम्मच ही रखिए। इसके बाद मैं यहाँ पर 1/2 गिलास पानी ले रही हूँ। 1/2 गिलास पानी से मुझे इसका बैटर बनाना है, जैसे कि हम लोग डोसे का बनाते हैं ना, सेम वैसा ही, या समझ लीजिए पकौड़ी का जिस तरह से बनाते हैं, सेम वैसे ही आपको बनाना है इसका बैटर। ठीक है, उसी की तरह आप अपनी नमक की क्वांटिटी भी उसी तरह से रखना। देखिए, ऐसा बैटर बनाना है परफेक्ट। इसकी कंसिस्टेंसी सेम ऐसे ही रहनी है, देखिए ऐसे ही रखना। इसके बाद मैंने यहाँ पे जो गोभी जो मैंने अच्छे से मैदे से कोट की हुई थी, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ उसे अच्छे से। हम किसी चम्मच से, मैं यहाँ पे चम्मच से मिला रही हूँ, आप हाथ से मिलाएंगे तो और अच्छे से मिल जाएंगी। देखिए, मैंने इसको मैदे से अच्छे से और कोट कर दिया है। मैंने यहाँ पे 3 कप के करीब ऑयल लिया है, रिफाइंड ऑयल लिया है मैंने यहाँ पे 3 कप के करीब। मैं इसमें डाल रही हूँ अपने पीसेस, जो कि मैंने यहाँ पे गैस जो है, हमारी गैस का फ्लेम है वो मीडियम टू हाई ही रखा है। ठीक है, मीडियम टू हाई, ऐसे हम इसको गोभी के जो पीसेस हैं, गोभी की पकौड़ी जो है, मैं इसमें अच्छे से डाल रही हूँ और अच्छे से इसको थोड़ा सा लाइट गोल्डन होने तक मैं इसे सेक लूँगी। एक ही बार में मैं सारी डाल रही हूँ। अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं मंचूरियन को तो आप थोड़ी थोड़ी करके भी सेक लें। मैं एक ही बार में सारी सेक रही हूँ। देखिए,
खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा इजी होता है। आपको रेस्टोरेंट से मंगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप एक बार इसे मंगाए बना लेंगे ना घर पे, तो आप उसे घर पे ही मंगाएंगे, रेस्टोरेंट से तो मंगाएंगे ही नहीं। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। देखिए मैंने यहाँ पे हल्का लाइट गोल्डन हो गए थे हमारी ये पकौड़ियाँ, मैं इसको अलग करे ले रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे सारी गोभी के जो वो मैंने निकाल लिए हैं अच्छे से। देखिए अब मैं इनको दोबारा से फ्राई कर रही हूँ। मतलब यहाँ पे मैंने अपनी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखा हुआ है सेकेंड टाइम में। मतलब आप एक मिनट तक तेल को अच्छे से गर्म करेंगे हाई फ्लेम पे, फिर हाई फ्लेम पे ही आप इसको दोबारा से सेकेंगे, जिससे कि ये और भी ज़्यादा क्रंची हो जाएंगी, क्रिस्पी हो जाएंगी। जब हमारा मंचूरियन बनेगा ना समथिंग, ये एक घंटे तक आपकी क्रंची ही रहेंगी आप अगर इस तरह से बनाएंगे। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स का ज़रूर शेयर करें, जिससे कि वो भी घर पे ही मंचूरियन को आसानी से बना पाएँ। देखिए हमारे यहाँ पर गोल्डन हो गए हैं पीसेस, इसके पकौड़ियाँ हो चुकी हैं गोल्डन ब्राउन। अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे मंचूरियन की ग्रेवी। मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ले ली है। यहाँ पे हमें अपनी गैस का फ्लेम बिल्कुल हाई रखना है, क्योंकि चाइनीज़ फूड जो होता है वो हाई फ्लेम पे ही पकता है। तो मैंने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है, जिसको मैं अच्छे से गर्म किए ले रही हूँ पहले। इसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 इंच का अदरक का टुकड़ा, जिसको मैंने अच्छे से कद्दूकस कर लिया था, वो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसके बाद मैं 10 से 12 लहसुन की कलियां, जो कि मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर ली थी। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 हरी मिर्च डाल रही हूँ इसमें। इसके बाद मैंने यहाँ पे 1 मीडियम साइज़ का प्याज लिया था, जो कि मैंने लंबा लंबा कट कर लिया है। इसको हम बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल लाइट पका लेंगे अच्छे से। ठीक है, इसको आपको गोल्डन नहीं करना है, बिल्कुल बिल्कुल हल्का सा पकाना है। ठीक है, इसके बाद मैं यहाँ पे शिमला मिर्च ले रही हूँ। मैंने 1 मीडियम साइज़ की ग्रीन शिमला मिर्च ली है। इसके बाद मैं यहाँ पे हरी प्याज ले रही हूँ, जो कि मैंने 2 चम्मच हरी प्याज ली है। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। यहाँ पे सारा काम हाई फ्लेम पे ही होगा। देखिए आप इसे 1 मिनट तक ऐसे चलाएंगे, भून लेंगे। मैं यहाँ पे 1 मिनट तक इन सब्जियों को भूनूंगी बिल्कुल हाई फ्लेम पे। इसके बाद मैं यहाँ पे धनिया पत्ती डाल रही हूँ, जो कि 2 बड़े चम्मच धनिया पत्ती का मैंने यूज़ किया है। मैंने पहले इसे अच्छे से वॉश कर लिया था, फिर उसके बाद मैंने इसे कट किया है। इसे भी अच्छे से भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/2 चम्मच के करीब चीनी। 1 चम्मच डाली है मैंने यहाँ पे चीनी, 1 चम्मच चीनी डाली है मैंने यहाँ पे। अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। इसके बाद मैंने 2 बड़े चम्मच टेबल स्पून जो होता है हमारा, वो ही मैंने 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ पे सोया सॉस का यूज़ किया है। फिर मैंने 1 चम्मच यहाँ पे चिली सॉस का यूज़ किया है, टोमेटो चिली सॉस होता है ना, वही मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। फिर इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे। देखिए हमारी जो ग्रेवी है कितनी अच्छी लग रही है हमें, देखने में खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। इसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ काली मिर्च का जो पाउडर होता है ना, वो मैं डालूँ यहाँ पे 1 चम्मच के करीब मैंने काली मिर्च पाउडर का यूज़ किया। इसके बाद मैं 1/2 गिलास पानी डाल दूँगी इसमें। ठीक है, नॉर्मल वाटर होता है ना, वही मैं यूज़ कर रही हूँ इसमें। 1/2 गिलास मैंने यहाँ पे पानी का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद में मैंने यहाँ पे कॉर्नफ्लोर जो होता है ना, वो मैंने यहाँ पे 1 चम्मच लिया था, और इसमें मैंने 1/2 गिलास या 1/2 कप पानी डाला था। उसको मैं चलाते हुए डालती जा रही हूँ, चलाती जा रही हूँ, ऐसे इस तरह से मैंने यहाँ पे डाला था। ठीक है, तो हमारी ग्रेवी ऐसे बनके रेडी हो गई है बिल्कुल। देखिए कितनी अच्छी हो गई है ना ग्रेवी हमारी, कितनी थिक हो गई है, बहुत ज़्यादा टेस्टी यमी है। और जो हमारे जो मंचूरियन मैंने यहाँ पे सेक मतलब फ्राई किए थे, वो मैं इसमें अब डाल रही हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे 2 चम्मच हरी प्याज फिर से डाल रही हूँ। ठीक है, इससे ना कि हमारे मंचूरियन का जो फ्लेवर है बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में होगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनेगा। आप इसे एक बार इस तरीके से ज़रूर बनाएं। मैंने यहाँ पे 2 टाइम
यहाँ पे हरी प्याज का मैं यूज़ कर रही हूँ, स्प्रिंग अनियन का। देखिए मैंने यहाँ पे इसको मिक्स कर दिया है, देखो कितना अच्छा लग रहा है ना, खुशबू बहुत लाजवाब आ रही है, बहुत ज़्यादा टेस्टी है ये, बहुत ज़्यादा अच्छा बना है। आप इसे बस ज़रूर ट्राई करें, आप इसे चाउमीन के साथ, मैगी के साथ, नूडल्स के साथ, आपको जिससे साथ पसंद है आप उसके साथ इसे सर्व करें, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, विज़िट ज़रूर करें, और हमारे वीडियो को पसंद आया हो अगर आपको हमारा वीडियो, उसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। ठीक है, तो हमारी ये मंचूरियन बिल्कुल रेडी हो गया है खाने के लिए, देखिए लग रहा है ना कितना टेस्टी। तो चलिए बनाते हैं और मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।